बाद इतना बड़ा बाजार है, बाजार के अंदर खुलेआम पोटाश बिकना, कितना बड़ा बारूद के ढेर पर पूरा बाजार बैठा है, लोगों को जो पटाखे मिल रहे हैं, इस सरकार की एक दोहरी नीति है जो है ना, वो इस सब को हमारी तो वो मात्र एक पटाखे की आवाज़ है, उस आवाज़ से उनका वो गर्व गिर जाता है और जिससे क्या है कि वो पक्षियों का एक भविष्य जो है ना वही खत्म हो जाता है, पक्षी आगे बढ़ ही नहीं पाते। सर, जो आपने ये एंटी क्रैकर्स अभियान चल रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? एक्चुअल में ये अभियान जो है, हमने पटाखा विरोधी अभियान 2015 में शुरू किया था। 2015 में हमने करीबन 15 सेटों से चालू किया था और हम सबसे पहले जो है कि डोर टू डोर जाते थे लोगों की, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे, बेल बजाते थे कि भाई रिक्वेस्ट करते कि आप लोग पटाखे छुटाते हैं, पटाखे ना छुटाएं, दीप जला के दिवाली मनाएं। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उस समय सोशल मीडिया का रिवाज कम था। 2015 से लेकर 2018 तक हमारा अभियान जो है एक अच्छे लेवल पर चला, जिसमें हम डोर टू डोर जाते थे, शपथ पत्र भरवाते थे और जैसे मेलों में औरों में स्टॉल लगाते थे, वहाँ पे जो आने वाले लोग थे उनसे शपथ पत्र डलवाते थे और करवाते थे। लेकिन 2018 के बाद हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमने इस अभियान को सोशल मीडिया पे लिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम क्या है कि अब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, पेज बनाए हुए हैं जहाँ पे हम फोटो शेयर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं भाई ज़्यादा स्पॉन्सर डेट चलाते हैं कि भाई ज़्यादा लोग पटाखे ना छुटाएं। भाई क्या है कि पटाखे छुटाने से हमारे देश को चाहे 1% भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यदि हम उसकी गहराई में जाएं तो। सर, जैसे आपने बताया कि 2015 में आपने स्टार्ट किया तो आपको 8 साल हो गए जी, तो आपको कुछ लगा है कि इस दिवाली पे कि लोगों में सुधार हुआ है? ऐसा जो सुधार की बात है, जैसे हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने शहर में देखते हैं, अपने प्रदेश में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं जैसे मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में 20 घर हैं, तो पहले 20 में से 18 घर पटाखे जलाते थे, अब 20 में से 2 या 3 घर ही पटाखे जला रहे हैं, 17-18 घर जला ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की उम्मीद तो है ना, क्योंकि ये हमारा ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। बहुत सरकारें इसके लिए काम कर रही हैं, बहुत संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे सरकार काम कर रही है, आप लोग भी अभियान चला रहे हो, लोगों को जो पटाखे मिल रहे हैं इस सरकार की एक दोहरी नीति है जो है ना, वो इस सब को डिस्टर्ब कर रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि पोल्यूशन है, पटाखे ना जलाएं, पटाखे जलाने से नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार क्या है कि पटाखा फैक्ट्रियों पे कोई रोक ही नहीं लगा रही है, खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं, खुलेआम जगह जगह लोग बिक रहे हैं। आज आप कहीं भी किसी भी सिटी में सर्वे करेंगे, देखेंगे तो पटाखे खुलेआम आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आप दुकान वालों को बोल रहे हैं पटाखे मत बेचो, बच्चों को बोल रहे हो पटाखे मत लो, लेकिन जो फैक्ट्री बना रही है पटाखे उस पे तो कुछ नहीं हो रहा ना? ऐसा ना, हम तो क्या है ना, हमारा काम है अभियान चलाना, मतलब होना चाहिए ना, ये बिल्कुल होना चाहिए। यदि फैक्ट्रियां नहीं रहेंगी उस चीज़ की तो क्या है कि वो चीज़ बाजार में नहीं मिलेंगी ना। हाँ, अभी एक नया काम क्या चल गया कि ग्रीन पटाखों की परमिशन दी जा रही है। ग्रीन पटाखे हैं क्या? वही बारूद उसमें डल रहा है, वही सब कुछ पटाखा होता है, पटाखा ये शोर भी हो रहा है, कोई उसमें डेसीबल का कोई सिस्टम ही नहीं है। भाई इतने डेसीबल की आवाज़ होनी चाहिए, कोई सिस्टम ही नहीं है। वो एक बार ग्रीन पटाखों के नाम पे लाइसेंस बांटे जा रहे हैं और क्या है कि फिर उनको लोग खरीद रहे हैं और बजा रहे हैं। कोई सरकारें रोक लगा रही है, कोई 2 घंटे की परमिशन दे रही है सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए। ग्रीन पटाखों का मतलब क्या है? वो ग्रीन पटाखे, ग्रीन पटाखे में से धुआं तो नहीं निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना है, धुआं तो निकल ही रहे ना, बस उनके ऊपर उनका कलर ग्रीन करने से ग्रीन पटाखे थोड़ी हो जाते हैं। और इसके लिए हम तो हर जगह आपके चैनल के माध्यम से भी और सब जगह से हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पैसा है आपके आसपास रहने वाले किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए, मतलब उसको दें, उसकी किसी की शिक्षा के लिए हाँ करें, किसी की पढ़ाई के मतलब के अलावा, किसी की शादी है, किसी की कोई को खाने की दिक्कत है, को बहुत लोग को किसी तरीके का बीमार है, उनकी सहायता करें जिससे किसी को कुछ लाभ हो सके। हमारा देश जो है आज एजुकेशन के मामले में इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी पीछे है। यदि हम हर साल हर दिवाली पे हर सिटीज़ में से कोई 100, 200, 500 लोग इस तरीके से तैयार हो जाएं और वो अलग अलग जगह से बच्चों पटाखों वाले पैसे बच्चों को गोद लेना शुरू कर दें, तो हमारा देश कितना आगे बढ़ जाएगा। हम वो पैसा क्या है कि रोज़गार देने के लिए या किसी को गरीब की किसी की शादी कराने के लिए, किसी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोई इस तरीके से काम करें तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो क्या कि पटाखे बना के दिवाली बनाई थी। दीप जलाना हमारा मकसद होना चाहिए, एक दूसरे को मिठाई बांट के, गिफ्ट बांट के, क्या कि वो दिवाली होनी चाहिए। दिवाली का मकसद ये थोड़ी ना कि पटाखे बजा कर पोल्यूशन बना के। तो सर, आपने जो अपना ये संगठन स्टार्ट किया जी, ये
कितने बंदों ने कहना? ये हमने 2009 में शुरू किया था, जिसमें क्या है कि हम लगभग करीबन 20 साथी थे। उसके अलावा जब हमने पटाखा अभियान शुरू किया तो हमारी एक संस्था है, जैन संस्था है, जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है, हमने उससे टाइप किया। उसके अलावा जैन संतों से, वैष्णव संतों से बातचीत की कि भाई आप अपने सभी शिष्यों को, जो भी आपके पास आपके पास आने वाले भक्तजन हैं, अपने प्रवचन के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करो भाई पटाखे नहीं जलाने, किसी को गिफ्ट देना, किसी को और करना, कोई धर्मादा निकालना, कुछ भी करना, ये काम मत करना। आप यदि गवर्नमेंट डाटाज में जाएंगे या आप गूगल पे करेंगे, हर साल दिवाली के ऊपर कितने लाखों पक्षियों का गर्भ गिर जाता है, कितने पक्षियों का, क्योंकि ये उनकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है। और इस वो हमारी तो वो मात्र एक पटाखे की आवाज़ है, उस आवाज़ से उनका वो गर्भ गिर जाता है, और जिससे क्या है कि वो पक्षियों का एक भविष्य जो है ना वहीं ख़त्म हो जाता है, पक्षी आगे बढ़ ही नहीं पाते, जिससे क्या है कि कितने पक्षियों की जो प्रजातियाँ हैं वो लुप्त होती जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा पूरा मतलब ये है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी हमारे को नुकसान हो रहा है। उसके अलावा हर साल यदि आप इंडिया लेवल पर सर्च करेंगे कितनी मार्केटें जलती हैं, कितना नुकसान होता है जिसका एक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसके अलावा कितना टन कचरा हम अपने देश को गिफ्ट देते हैं, तब तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, दूसरा पटाखा जला के कितना टन कचरा जो फैला रहे हैं, फिर दूसरी बात इतना कागज़ जो इसमें लगता है, वो कागज़ यदि हमारे वैसे उपयोग में, कागज़ भी तो पेड़ कट के तो बन रहा है ना, कहीं ना कहीं कोई एक फ़ायदा भी कोई इसका गिना नहीं सकता कि भाई सिर्फ ये कहना कि भाई ये पटाखे जलाने से हम अपना त्यौहार मना रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। पटाखे जलाना सिर्फ एक लोगों को एक अपने शौक का मामला बना लिया, लोगों ने अपने एक भाई किसके घर के बाहर कितना ज़्यादा कचरा या किसी ने कितने ज़्यादा रुपए के पटाखे जलाए, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस बारे में एक बार दिवाली पे दीप जलाने वाला सोचे ज़रूर। हमारे संगठन के लोग तो दिवाली मनाने के बाद, पूजन करने के बाद शहर की सड़कों पर जाते हैं, जो भी कचरा बीनने वाले या नगर निगम के कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी या हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटलों में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके साथ उनको मिठाई बांट के दिवाली मनाते हैं। 2015 से ही हमारा हर साल ये सिस्टम चला हुआ है, मतलब हम लोगों को पूजन के बाद फ्री रहना है, उसके बाद ये शहरों में निकल जाना है। सब जहाँ जा, जो साथी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सब जाओ, जो भी सड़कों पर मिले लेटे उनके साथ मिठाई खिला के उनके साथ दिवाली मनाओ। असली दिवाली वो है, सार्थक दिवाली वो है, पटाखे जला के कचरा फैला के पैसों को आग लगाना कोई दिवाली नहीं है। अभी एक बात है ना, सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा बाजार है, बाजार के अंदर खुलेआम पोटाश बिकना, कितना बड़ा बारूद के ढेर पर पूरा बाजार बैठा है। एक तो प्रशासन कह रहा है कि हमारे टीमें जगह जगह छापे मार रही हैं, जगह जगह कार्य कर रही हैं पोटाश को बजाने, अब पटाखे के साथ ये पोटाश बनाने की गन बनाई गई है, जो कि भारी मात्रा में आपको बाजार में मिल जाएंगी, और उस गन में पोटाश भर के उसको क्या कि पटाखा बनाता है, और उसका शोर इतना ज़्यादा है और वो इतना ख़तरनाक है, हर बार वो पाइप फटने से कितने बच्चे उससे मतलब प्रभावित होते हैं, कितने बच्चों के फेस जल जाते हैं, कितने बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है, लेकिन कहीं भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। पोटाश आप खुलेआम सर्वे कर सकते हैं, खुलेआम किसी दुकान पर जाएँ, आपको पोटाश खुलेआम मिल जाएगा। अब इसमें कहाँ कौन सी सरकार इसको परमिशन दे रही है, कोई कह रहा है आसाम से आ रहा है, कोई कह रहा है पश्चिम बंगाल से आ रहा है, कोई कह रहा कहीं से आ रहा है, लेकिन एक बार सुनो, सरकारें रोक क्यों नहीं लगा रही है? मान लो पोटाश बेचने वाले की यहीं कोई घटना घट जाए, पूरे बाजार में इतने लोग हैं, कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, कौन उसका खामियाजा भुगतेगा? आम आदमी खामियाजा भुगतेगा? सरकार तो कहती कि हमने तो चल रही थी चोरी छिपे बेच दिया होगा। हम तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चंद मुनाफे के लिए देश का या शहर का नुकसान ना करें, थोड़ा सा लोगों को समझाएं, इससे गिफ्ट या कोई ऐसी सरकार फैक्ट्रियों पर रोक लगा दे, पोटाश बेचने वालों पर रोक लगा दे, जुड़ती नहीं पड़ेगी। जुड़ना चाहता हूँ, हम तो कहते हैं भाई जो बंदा, जो भी भाई, जो भी बहन पटाखों के लिए किसी पोस्टर को शेयर कर दे, वो अभियान के साथ जुड़ गया, सबको शेयर करे, अपने सर्कल में डाले या अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप को बोले भाई अब क्या हम पटाखे जलाएंगे, इकट्ठे बैठ के पार्टी करेंगे और क्या है कि अपने घर पे रहेंगे, या किसी जरूरतमंद को मिठाई बांट के दिवाली मनाएंगे, पटाखे जला के दिवाली नहीं मनाएंगे।